सल्यूट, ग्रेट सर, कीप इट अप। और दिक्कतें आए ना तो भी हटना मत, क्योंकि ये आपका कार्य है ना, हिस्ट्री क्रिएट करेगा और लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों के अंदर। नहीं नहीं, ज़्यादा पैसा देने से और ज़्यादा खर्चा करने से, ज़्यादा फैसिलिटी देने से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का मतलब है ज्ञान से, और ज्ञान देने वाला होता है टीचर। और जब टीचर अच्छे संस्कार और सच्चाई की तरह राह पे चलने, मेहनत करना, ये सब ज्ञान दे देता है, तो उसमें पैसे का कोई रोल है नहीं। एक रूप दे रहे हैं हम बच्चे को, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता है। और फैसिलिटी का और ये जो बवंडर है, ये एक भ्रम है। कुछ गवर्नमेंट का भी सोचना रहा होगा शायद, उनको अपनी साक्षरता का जो रेशियो होता है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह से कर दिया होगा कि विश्व स्तर पर हम लोग बता सकें कि हमारे यहाँ इतने साक्षर हैं। पर ये है गलत। जब तक आप छोटे बच्चे को उसकी गलती नहीं बताओगे, वो सुधार नहीं करेगा। और फेल करना या उसको बैकफुट पे लाना, वो यही है कि भैया आपकी गलती है, आप अगली कक्षा के योग्य नहीं हो। कक्षा मतलब चरण, अगले चरण के आप योग्य नहीं हो, तो प्लीज़ इसको रिपीट करो, इसके अंदर आप अपना निपुणता लाओ और फिर उसके बाद आप अगली वाली सीढ़ी पर चढ़ो, ताकि आप अच्छी से वहाँ की भी पढ़ाई कर सको। पनिशमेंट जरूरी है, पर मारना पीटने के तो पक्ष में मैं भी नहीं हूँ कि हमें बच्चे को मारना चाहिए। उसको हमें गढ़ना है, उसको हमें एक फॉर्मेशन देनी है। तो उसके लिए डर जो होता है, एक्चुअल में जो मारना पीटने का रीज़न होता है डर, तो वो डर और कोई फॉर्म में होना चाहिए कि उसको उसके भविष्य के बारे में। अगर एक बच्चे ने अच्छी किताब पढ़ी है तो उसको मालूम होता है कि गलती पर तो क्या नुकसान होने वाला है आगे जाकर, और अगर उसको सुधारता है तो क्या फ़ायदा होना वाला है आगे जा कर के। अगर उसको ये मालूम है तो मैं मानता हूँ। और ये नियम, मैं कानूनी नियम की जो आप बात कर रहे हैं, वो दोनों के लिए है, टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो बच्चों के कानून उनको बताए जाने चाहिए कि अगर आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, या आप स्कूल के अंदर कोई तोड़फोड़ करते हो, जो 11, 12 के बच्चों की अगर बात करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि कानून की जानकारी दोनों को स्पष्ट होनी चाहिए। कानून तो सही चीज़ का सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कानून बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। कानून का डर केवल टीचर्स को या शिक्षक को नहीं देना है, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि ये कानून है और जो ये शिक्षक है ये भविष्य बना रहा है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। एजुकेशन ही तो जड़ है। अरे, जड़ को सींचने वाले अनमोल जी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। अच्छा खाद, अच्छा पानी और जो मिनरल्स चाहिए इस एजुकेशन जैसे पेड़ को, उसको देने के लिए अनमोल जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और सराहनीय है। आर्थिक स्थिति, अभी वो जो समर्पण की भाषा है, जो पहले की जो फैसिलिटीज थी, जो सम्मान मिलता था टीचर्स को, वो आज शिक्षक को नहीं मिलता। आज शिक्षक की जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, या हम कह सकते हैं जो उसका आर्थिक स्तर है, उसका समाज में सम्मान है, ये एक पतन है। मुझे पता है कि अमेरिका के अंदर जो सैलरी स्केल दी जाती है, तो उसके अंदर टीचर्स की सैलरी स्केल बहुत हाई है। हम लोगों के यहाँ पे तो जब टीचर्स जो भी ग्रेजुएट हुआ या बीएड हुआ या एमएड हुआ, वो अगर सारे प्रयास करने के बाद जब उसको लगता है कि कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तब वो जाके इसको बेमन से चूज़ करता है। तो ये पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और स्वेच्छा से इसके अंदर मैं चाहूँगा कि महिलाओं को और पुरुषों को इसके अंदर, बेरोजगारों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रोपोगंडा है कि जो ये कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ये इस तरह से भ्रांतियाँ फैलाते हैं, इस तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो एक, आप ये मान के चलिए कि मानसिक रूप से पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ डाल देते हैं कि हम लोग बेटर हैं, और एक
झूठा, मतलब अगर आप कॉम्प्री ये जो बता रहे हैं अगर ये सही भी, मेरे को तो सही लगता नहीं है, लेकिन ये 100% श्योर है जो ये डमी का जो सिस्टम आप बता रहे हैं या कोचिंग सेंटर का जो बता रहे हैं, इसका हाल इतना ख़राब है कि इसके अंदर से मात्र अगर कोई निकलता है तो 5% से अधिक कभी कोई बच्चा नहीं निकला। तो ये सिस्टम ख़राब है। स्कूल अपनी जगह है, स्कूल कोचिंग सेंटर के अंदर केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, स्कूल के अंदर आपको खेल कूद व्यवहार अच्छी आदतें सुविचार संस्कार नैतिक शिक्षा बड़ों का सम्मान, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग सेंटर या किताबें नहीं दे सकती हैं। उसके लिए अपने बराबर के संगत वाले बच्चों के साथ में रहना, हमसे बड़े उम्र के बच्चों के साथ में रहना, हमसे छोटे उम्र के बच्चों के साथ में रहना, वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ी मीडिया के द्वारा मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये खतरनाक चीज़ है। अगर ये शिक्षा पर या शिक्षक के ऊपर टीचर पे, मैं आप बोल रहे हो कि मैं हीरो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हीरो, हमें बच्चों को दिखाना चाहिए। नहीं तो आजकल का हम जो ये हिस्ट्री देख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, इतना सब बिगड़ गया है। तो उसके लिए कोई भी हीरो हो, मैं तो दिखाऊंगा उसको, बच्चों को पूरे स्कूल को दिखाऊंगा और ऐड भी करूंगा कि प्लीज़ आप ये दिखाइए। सल्यूट, ग्रेट सर, कीप इट अप। और दिक्कतें आए ना तो भी हटना मत, क्योंकि ये आपका कार्य है ना, हिस्ट्री क्रिएट करेगा और लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों के अंदर कि अनमोल ने एक ऐसा काम किया जो जड़ है, जो नींव है, जो जरूरत है, जो समाज की आवश्यकता है।